أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام زی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دسواں سپارہ سپارے دا رکوع بارواں سورت دا نام سورہ توبہ سورت دا رکوع چھٹا جمادی الآخر یعنی رمضان المبارک تو دو ماہ پہلے چھڑ کے تیسرا مہینہ اس ماہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سفر دے ساتھی حضر دے ساتھی آپ دے دکھ دے ساتھی نبی پاک دے سکھ دے ساتھی ہر آسانی دے ساتھی ہر تکلیف دے ساتھی سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وفات اج دا دن میں اس حوالے نال اس مناسبت نال چن اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر سیرت و کردار سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دی وفات دا تذکرہ اس خطبہ جمعہ دے اندر کرا ویسے تو ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک نو اللہ نے جو بھی ساتھی عطا فرمائے نے عظمتاں والے شاناں والے نے اعلی مرتبے اور اعلی مقام والے نے اور اوہی جنہاں نو لوگ معاشرے چ کوئی حیثیت نہیں سن دیندے معاشرے جنہاں دی کوئی ویلیو وٹک نہیں سی اسی سمجھ دے لوگ آندے سن عرب دے گمبار بزدل ترین قوم پر میں قربان جاواں کل دے بزدل نبی پاک دے لڑ لگے تے زمانے دے بہادر بن گئے کل تک لوگاں دے رستے ہیں اچھ بیٹھ کے
डाके ते चोरियां दा इरतकाब करन वाले अज लोगां दियां इज्जतां दे मुहाफिज ते लोकां दे माल दे रखवाले बन चुके ने। कल तक जिन्हां दी माशरे च कोई वैल्यू ते कदर नहीं सी समझी जांदी, अज अल्लाह जुल जलाल ने उन्हां नूं ये शान ते मकाम अता फरमाया कि प्यारे मुस्तफा अली सलाम ते कुरान दियां आयतां नाजल फरमाइया और ऐलान फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने अत्ताइबून अल आबिदून, ओही लोग ने ना जिन्हां नूं लोग समझदे सन कोई इन्हां दी हैसियत नहीं, कोई इन्हां दी वैल्यू नहीं, कोई माशरे च इन्हां दी अहमियत नहीं। पर मैं कुर्बान जावां ओए गल ते आके निस्बत ते मुकदी है, रब ने निस्बत बड़ी आला अता फरमा दीती है और नबी पाक नालों वध के निस्बत कायनात अंदर और किदी आला ते अरफा हो सकती है। अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने नबी दी निस्बत दी बरकत नाल अपने कुरान दिया ऐता बना के नाजल फरमाया, फरमाया अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून अल हुदूद وبشر المؤمنين। अल्लाह जुल जलाल वली कराम उन्हां दी शान अंदर कुरान दियां आयतां नाजल फरमाया और फिर रब्बुल आलमीन ने उन्हां नूं अजमत ते इज्जत अता फरमाई है। फरमाया रजी अल्लाह अनहुम व रजू अनहुम उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। यानी कल जिन्हां दी वैल्यू कोई नहीं सी, अज रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने ए मेरी जमात है, सुभान अल्लाह, ए मेरी जमात है, मैं इन्हां ते राजी हो गया ते ए मेरे ते राजी हो चुके ने। कुर्बान जावा नबी पाक अली सलातो वसलाम अज इब्तदा फरमाई ना दावतो तबलीग दी, इस्लाम दी आपने इब्तदा फरमाई पैगाम हक लोगों तक पहुंचाने वास्ते, ते तने तनहा कोई जमात नहीं, कोई तंजीम नहीं, कोई नबी पाक अली सलाम दे नाल बड़ा जत्था नहीं, कोई फौजी ताकत नहीं। नबी अली सलाम तने तनहा आपने दावत दा आगाज फरमाया ते अजे 23 साल भी पूरे नहीं होए ते नबी पाक अली सलाम अज आका मैदाने अरफात दे अंदर तशरीफ फरमाने ते कोई 1.5 लाख से बादा मजमा नबी पाक दे सामने मौजूद है ते केड़ी शह ने इनकलाब पैदा कर दिता है। ओदी एक अकेलड़ी जान सी, ओदी एक अकेलड़ी जान सी, ओदा दुश्मन सारा जहान सी। केड़ी शह ने इनकलाब पैदा कीता, साथी कोई नहीं, यार कोई नहीं, सज्जन कोई नहीं, जमात कोई नहीं, इनकलाब 23 सालां दे अंदर 1.5 लाख कम अज कम सहाबा दी जमात मौजूद। क्यों? ओदी एक अकेलड़ी जान सी,
ओदा दुश्मन सारा जहान सी, पर खूबी की ये गल सच्ची ते मिठी जबान सी, ताइयो सारे जहान ते छा गया। इनकलाब पैदा कर दिता। आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम ने दावत दा आगाज फरमाया ना, ते इब्तदा कित्थों होई है? पहले पहल नबी अली सलाम अपने खास खास जड़े को जानन वाले सन उन्होंने अल्लाह दा पैगाम सुनाया, ते उन्हां चो सरे फहरिस्त बड़ी जिन्ना लोगां ते मान तरान हुंदे ना, उन्हां चो एक नबी दा यार अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। अबू बकर अल्लाह जिथे लेटे ने इन्हां ते रहमत दियां बारिशां नाजल फरमाना। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने और भी लोगां नूं दावत इस्लाम ते दावत हक पहुंचाई है। किसे नबी पाक अलैहि सलाम दा मौजज़ा वेख्या ते नबी दे गुलाम बन गए ने, किसे हजूर दियां वादा सुनिया ते मुसलमान हो गए ने, किसे नबी पाक दे खुतबात सुने ते मुसलमान हो गए ने, किसे नबी पाक अली सलाम दी तबलीग तो मुतासर होए ते नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया। तहकीक दे बाद हुजूर अली सलातो व सलाम दा इस्लाम ते दीन कबूल कर लिया। जदो अबू बकर दी वारी आई रजी अल्लाह ताला अन्हो, अबू बकर तेरी अजमतों मैं सारा जहान कुर्बान करा ते हक अदा ना हो। आमिना दे लाल अली सलाम तशरीफ ले आए, मुलाकात होइया, महल्लेदारी ते पहला भी है से, एवें नहीं बंदा कोई किसे ते इन्ना इतमाद ते इन्ना मान कर लेंदा। महल्ले च रहिंदे आ यारां नूं पता हुंदा फलाना बंदा किवें दा। महल्ले दे जिन्ने कम अज कम नौजवान, वैसे बजुर्गां दी नजर भी हुंदी है फलाने दा मुंडा किवें दा, फलाने दे मुंडे दियां आदात कैसियां ने, फलानिया दा बच्चा कैसा, चंगा मंदा, अच्छी तबीयत दा, नरम मिजाज दा, गरम तबीयत दा, बजुर्गां नूं भी पता हुंदा, लेकिन खसूसन नौजवानां नूं नौजवानां दा पता हुंदा इहदियां सरगर्मियां की ने, उहदियां सरगर्मियां की ने। अबू बकर नूं पहले दिन तो ही पता सी आम बंदियां जैसा बंदा मुहम्मद नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताई दे आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम फरमांदे ने, अबू बकर अल्लाह एक के। बड़ी मुख्तसर जी दावत, अबू बकर अल्लाह एक के, ते मैं अल्लाह दा रसूल, ते अबू बकर कलमा पढ़ ले। ए नहीं आखिया जनाब को दलील, कोई सबूत, कोई मौजज़ा नहीं। आप फरमांदे ने अबू बकर कलमा पढ़ ले, ते अबू बकर आंदे ने अशहादो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। जनाब तुसा कह दिता ते मैं मन लिया, मनना भी इनू ही आंदे ने। मैं कुर्बान जावा, अबू बकर ने कलमा पढ़िया ते नबी दी गुलामी इख्तियार कर ले। हुजूर अली सलातो व सलाम दे प्यारे जानिसार ते खादिम बन गया। हुण वाकियतन अज जेड़ा रब ने साथ जोड़िया अज तक नाले, अज तक रोजे पाक दे अंदर भी नाले, ते ए साथ जन्नत तक भी जाना है। हदीस पाक अंदर मौजूद है, नबी अली सलाम ना एक दिन इंज मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने, ते आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम आप दे एक हाथ विच जनाबे अबू बकर दा हाथ,
ते एक हाथ विच जनाबे उमर दा हाथ यार किड़े खुश बख्त खुश नसीब बोलो असी ते किसे बुजुर्ग ना सलाम ली लई है पीर साहब ने जी साडे बुजुर्ग ने जी पहुंची हस्ती है पहुंची शख्सियत है ओदे ना सलाम लैके हाथ संभाल संभाल के कई दिन रखने आ बुजुर्गां दे हाथ ना हाथ लगा कुर्बान जावां ओना दी किस्मत दे क्या कहने जिन्ना दे हाथ आमिना दे लाल दे हाथ विच ने नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम एक हाथ विच अबू बकर दा हाथ एक हाथ विच जनाबे उमर दा हाथ ते मेरे आका इंज अपने हाथ बुलंद कर देने ते फरमान देने हा कजा नुबासो यौमल कयामा हा कजा नुबासो यौमल कयामा ओया जिवें अज असी कठे आ ना कयामत नू इंज असा कठे ही उठाया जाना है हा कजा नुबासो यौमल कयामा जिवें अज असी कठे एवें कयामत नू कठे ही उठाए जावांगे फिर मैं कुर्बान जावा मेरे आका अलैहि सलाम दा अगला फरमान है गिरामी आप फरमांदे ने असी उठ के फिर बकी वाल जावांगे फिर बकी वाले जिन्हों जन्नतुल बकी आने हैं ना असल बकी दा कब्रस्तान है आप फरमा देने फिर असी बकी वाल जावांगे ते उतों अपने परवानियां नू सहाबा नू नाल लवांगे कामों की वालियो फिर मैं ते इस बात दा बरमला इजहार करिया करना वा मेरे आका अलैहि सलाम एक हाथ विच अबू बकर एक हाथ विच जनाब उमर दा हाथ होएगा आका बकी दे कब्रस्तान जानगे ओथो नाल उस्मान नू लेंगे ओथो नाल उस्मान नू लेंगे ते उस्मान दे नाल ही अल्लामा एहसान नू लेंगे नसीबां दी गल ए मुकद्दरां ते किस्मत दी गल ए मैं कुर्बान जावां जिथे तकरीबन 10,000 सहाबा नू अल्लाह जुल जलाल ने जगह अता फरमाई है जिथे प्यारे उस्मान नू जगह मिली है उथे उस्मान दे कदमा विच अल्लामा एहसान नू भी अल्लाह ने जगह अता फरमा दीती है गल आके किस्मत ते नसीबां ते मुक दी है मैं कुर्बान जावां कौन जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला ए ओ अजीम घराना ते ओ अजीम शख्सियत है प्यो भी सहाबी आप भी सहाबी पुत्र भी अगो पोतरा भी चार नस्ला सहाबी ने हजरत अबू कुआफा अबू बकर सिद्दीक दे वालद अबू कुआफा दा बेटा अबू बकर दा बेटा अब्दुर रहमान दा बेटा मुहम्मद ए चार नस्ला सहाबी ने और फिर इत्थे ही बस नहीं अबू बकर सिद्दीक दी बीवी उम्मे रुमान सहाबी आए और उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे मुतालिक मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया से जिन्ने जन्नती हूर वेखनी है वो उम्मे रुमान नू वेख लवे उम्मे रुमान अबू बकर सिद्दीक दी ज़ौजा मोहतरमा ए भी नबी दी सहाबिया हजरत असमा जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी लख्त जिगर ए भी नबी दी सहाबिया भी है ते नबी दी साली भी है हजरत माँ जी आयशा सिद्दीका नबी दी सहाबिया भी है और इत्थे
ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਆਕਾ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ੂ ਏ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਕੰਜਰਾਂ ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਏ ਖੁਸਰਿਆਂ ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸ਼ਰਾਬੋ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾ ਲੈ ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਬਰੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰ ਅਨਵਾਰ ਤੱਕਦਾ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਆਰਜ਼ੂ ਏ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜੈਸੇ ਵੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਸਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿੰਜੋ ਦੇ ਗਲ ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਿੱਚਣ ਡੈ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਬਖਤ ਕਾਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੀਵਾਨਾਵਾਰ ਬੜੇ ਇੰਜ ਮਜਮਾ ਚੀਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤਕਤਲੂਨ ਰਜੁਲਨ ਅਯਕੂਲ ਰੱਬੇ ਅੱਲਾ ਬਦਬਖਤੋ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨਾ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਠਾਇਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਈ
ते मेरे आका दी ज़ियारत वास्ते दारे अरकम दे अंदर तशरीफ लै गए ते जगां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलाम तशरीफ फरमाने इंज उठ के मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर पे आ रहा तबीयत कैसी है। अर्ज करदे ने सोने तुहाडियां ही फिकरां लगियां ने हुजूर तुहाडी फिकर लगी है तुहाडी तबीयत कैसी है। यानी नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम दे नाल अबू बकर ने वफादारी दा हक अदा करके दिखा दिता। कौन जनाबे अबू बकर ने मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम ओ यारी भी चंगी होए ते उन्हां यारियां दे दुनिया दे अंदर भी फायदे हुंदे ने। नौजवानों बचियो यारियां चंगियां रखिया करो क्यों चंगियां दे लड़ लगिया मेरे चोली फुल पए ते बुरियां दे लड़ लगिया मेरे अगले भी डुल गए। यार चंगे होण किते ना किते इन्हां चंगे यारां दा फायदा जरूर हुंदा ते जे खुदा ना खासता बहनी भैड़ी हो जाए बहनी चंगी ना होए ए यार सज्जन किते ना किते तैनू अड़ा के ही छड़ देने किसे ना किसे गंदे बुरे ठिकाने तक तैनू पहुंचा के ही छड़ देने। अबू बकर दी बैनी शुरू तो लैके चंगे मेरे पाक पैगंबर अली सलाम तो वसलाम आप दी दोस्ती दा हक अदा की और ओदे असरात ने जनाबे अबू बकर ते जदो हिजरत दी पहली दफा इजाजत लई ना अर्ज कर देने सोनियो मैनू भी अगर मुनासब समझो ते मैं भी हिजरत कर जा। फरमाया कोई अर्ज नहीं चले जाओ। सिद्दीक को थोड़ा बाता सामान लिया घरों निकले शहरों बाहर निकले ते इब्ने दगना मक्के दा बहुत बड़ा सरदार सी लीडर सी अगो मिलिया है काफर है मुसलमान नहीं ते जनाबे अबू बकर नू कहन लगा अबू बकर किधर ते अबू बकर फरमांदे ने इब्ने दगना तेरी कौम ने परेशान बड़ा कर दिता है लिहाजा मैं मक्का छड़ के जा रहा हूं। जिस थां ते रहना होए ना जिस महल्ले च जिस पिंड अंदर जिस गली अंदर जिस इलाके अंदर रहना ही ना इंज रिया कर तेरी जुदाई लोग महसूस करके आंसू बहान लोग तेरिया तारीफा करन चंगा बंदा है नेक आदमी है एहो जा महल्लेदार और एहो जा हमसाया लभ्या नहीं लभना लोग तेरिया तारीफा करन ते लोग तेरी जुदाई दा गम महसूस करन इंज दी जिंदगी ना गुजार। जे मकान बदलना पै ते लोकी मिठाइयां वंडन मगरों लथे साड़ी जान छुट्टी है एडा बदबख्त आदमी है ना किसे दी इज्जत दा सांझा है ना किसे दे माल दा सांझा है जिंदगी इंज दी गुजार महल्ले अंदर लोग तेरी कमी महसूस करन। इब्ने दगना काफर है ते पता की आंदा है अबू बकर मैं तैनू नहीं जान देना है काफर है ते क्या की रहा अबू बकर मैं तैनू नहीं जान देना क्यों भाई इन्हें कुछ खूबियां गिनवाइया ने जनाबे अबू बकर दिया आंदा अबू बकर तेरे च खूबियां बड़िया ने इन्ना काला तासेलुर राहिम وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ اوہی خوبیاں جیڑیاں ماں دی خدیجہ الکبریٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گنوائیاں سن بے عین ہی اوہی خوبیاں مکے دا کافر سردار ابو بکر دیاں گنواندا پیا ابو بکر میں تینوں مکہ نہیں چھڈن دینا
बहु फड़िया नाल लैके मक्के शहर आ गया। आके कहन लगा भाई मक्के वालियो गल सुनो, मैं अबू बकर नू अमान दे दीती है। अबू बकर आज दे बाद मेरी पनाह वेच, मेरी अमान वेच। मैं कुर्बान जावा, अबू बकर जिन्नू कुरान पढ़न दी आदत पै जाए, दुआ करो अल्लाह सानू कुरान दा प्यार नसीब फरमा दे। आमीन ते कह दियो। अल्लाह सानू कुरान दी मुहब्बत नसीब फरमा दे। अबू बकर ने सोचिया भाई इहदे नालों ते नाता नहीं ना तोड़ सकदा, घर दा जिहड़ा वेड़ा सी ना उहनूं ही मस्जिद दी जगह बना ले, ते खड़े हो के कुरान पढ़दे ने, ते कुरान अबू बकर दा पढ़ना। अबू बकर नाले कुरान पढ़दे ने नाले रोई जांदे ने, नाले कुरान पढ़दे ने नाले आंसू बहाई जांदे ने। ते मक्के दे बड़े बड़े सरदार जेड़े ने ओ आके कहन लगे ओ इब्ने दगना गल सुन, अबू बकर नू तू अमान दीती है। ते अबू बकर नू कह कुरान ना पढ़िया करे, अपने वेड़े च खड़े होके कुरान पढ़दा, ते साड़ियां बीबियां कोठियां ते चढ़ के सुन दियां ने। अबू बकर भावे अपने वेड़े च कुरान पढ़दा, साड़ियां खवातीन एदा कुरान सुन दिया ने, साडे बच्चे दा कुरान सुन दे ने। ते सानू खतरा किते एदे कुरान दा इना ते असर ना हो जा, किते ए वी नौज़ बिल्ला बेदीन ना हो जा। ते इब्ने दगना जनाबे अबू बकर नू कहन लगा, ए अबू बकर पता ही ना मैं तेनू पनाह दीती है, अमान दीती है, जी बिल्कुल इंजी है। कह लगा दो ही गल्लां ने, या कुरान पढ़ना छड़ दे या मेरी अमान वापस कर दे, फिर तू जान ते तेरा कम जाने। और जिन्हां नू हक ते सच दी आदत पै जाए, क्या हसीयत है दुनिया दियां चुदरावां दी, ते क्या हसीयत है दुनिया दियां लीडरियां दी। अबू बकर फरमांदे ने जा खसमानू खाद चुक अपनी अमान ते जा अपने घर, मैनू मेरा रब भी काफी है। जा अपनी अमान अपने कोल रख, अपनी पनाह अपने कोल रख, मैनू मेरा रब कल्ला ही काफी है। मैं कुर्बान जावा, ओ जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वस्सलाम होन आप ते अल्लाह दा कुरान नाजल होया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुनियो हालात साजगार नहीं, हालात चंगे नहीं, इंज करो हुन मक्का छड़ के ते मदीना तैबा दी तरफे चले जाओ। और मैं कहा करना है ते आम पिंडारगा पिंड सी यसरब, आम बस्ती अर्गी बस्ती, और यसरब दी किस्मत ते तद जागी है, उथे कदम मेरे महबूब दे लग गए ने। और यसरब दी किस्मत ते तद जागी है, उथे कदम महबूबे खुदा दे लग गए ने। कल दा यसरब अज मदीना तुर रसूल बन गया, कल दा यसरब अज ताबा बन गया, कल दा यसरब आज मदीना तैबा बन गया। अल्लाह जुल जलाल ने कुरान नाजल फरमाया, वा इज यम करो बे कल्लजीन कफरू ले युस्बितू का औ यक्तलू का औ युखरजू का वा यम करू ना वा यम करू اللہ واللہ خیر الماکرین۔ महबूब हालात चंगे नहीं, हुन मक्का छड़ के चले जाओ, ते दोपहर दोपहर दी गर्मी, मेरे महबूब ने इंज अपना चेहरा मुबारक धुप दी वजह तो ना चेहरा अपना लपेटिया होया, ते अबू बकर दे घर तशरीफ ले जा रहे ने। जिथे इतका इतमाद होवे
प्यार होए, मुहब्बत होए। और अबू बकर दा एहसास ये कोई थोड़ा के सवा लाख के डेढ़ लाख सहाबा चल के मुस्तफा दे दरवाजे ते आए और दो जहाना दा सरदार चल के अबू बकर दे दरवाजे ते जा रहे। किसे आखे अबू बकर इंज मालूम हुंदा महबूब तशरीफ ले आ रहा है। दीवाना वार बड़े दरवाजा खोलिया, अहलन शहलन जी आया नो महबूब गुलाम नो आर्डर कीता हुंदा, हुजूर खादम नो आर्डर कीता हुंदा, मैं हाजर सा। आका फरमाते ने अबू बकर बड़े अहम मसले वास्ते आया। जी हुजूर खैरियत है? फरमाया अल्लाह ने हिजरत दा आर्डर दे दिता। ए अल्लाह दे प्यारे नबी जी, ए ते तुहानू आर्डर मिले है, ते मेरे लिए की आर्डर है? ए आर्डर ते रब वालों तुहानू मिले है, महबूब मेरे लिए की आर्डर है? आ फरमांदे ने अबू बकर इस सफर दा साथी अल्लाह ने तैनू बना दिता है। मां दी आशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदिया ने मैं सुनती हुंदी सां के खुशी नाल भी बंदे दियां अखां चो आंसू आ जांदे ने, ते आज मैं अपनियां अखां ना वेख लिया, मेरे अबू जी अबू बकर दियां अखां चो खुशी नाल आंसू बह निकले ने। नबी पाक दा साथ रब्बुल आलमीन ने मैनू अता फरमा दिता। कायनात दे इमाम अलैहि सलातो व सलाम ने आर्डर फरमाया, अमानता नबी पाक ने जनाबे हैदर करार दे हवाले कीतिया। ए प्यारे अली आ मेरी चादरी ते ओ मेरा बिस्तरी, आ मेरी चादरी ते ओ मेरा बिस्तरी, ते आ मक्के वालियां दियां अमानतां नी। अली मक्के वालियां दियां अमानतां दे गए ते साडे पिछे मदीने आ जाई। किसे ने पूछया सी जनाबे अली उल मुर्तजा नू रजी अल्लाह ताला, यारी इनू आंदे जे यारी वफादारी ये छोलियां दा वड नहीं, यारिया दा नाम है, वरना साडे वर्गा कोई परवाना हुंदा आंदा जनाब 100% मौत यकीनी है ते मरन वास्ते सानू रखिया दे। आप शहर छड़ के जा रहे हो, इलाका छड़ के जा रहे हो, ते मरन वास्ते असी रखे आ? नहीं, हैदर करार ने भी वफा दी इंतहा कर दिती। किसे ने पूछया सी अली तुहानू नबी दे बिस्तर ते लेट दिया डर ना लगा? फरमांदे ने जिन्नी गूड़ी नींद ओदन आई ए जिंदगी च आई नहीं। वजह के नबी पाक ने फरमाया सी साडे पिछे आ जाई, साडे पिछे आ जाई, ते मैनू यकीन सी जो महबूब फरमा दे गलत हो सकदा, ओ नहीं गलत हो सकदा। बिस्तर ते लेटे ने चार चुफेरे पैरा लगा, दुश्मन तलवारा लैके खड़े ने। पिछली रात दिन चढ़न दे लागे एक बंदा कोलों दी लंघिया ते कहन लगा इत्थे खलो रहे हो, खैर ही है? कह लगे तैन नहीं पता लगा अज मुहम्मद का किस्सा मुका देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहन लगा वो ते टुर गया, वो ते टुर गया, किधर गया? ओने मैनू भी नहीं पता, जान वाला टुर गया, ले जान वाला लै गया।
नाकाम होए ना मुराद होए, अर्श वाले ने इत्थे भी ना मुराद कीता है ते अग्गे भी ना मुराद कर दिता। प्यारे अबू बकर इधर मक्के वाले दिया अमानतां दे के जनाबे अली उल मुर्तजा नूं महबूब ने अपने बिस्तर ते लिटाया, उधर अर्श वाले ने अपनी अमानत अबू बकर नूं दे के टोर दिता। ए अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दे नाल जा रहे ने, और कैफियत बड़ी अजीब है, दुश्मन दा खौफ भी तारी है, ते ओ जेड़ा मारूफ रस्ता सी ना मदीने जान वाला, उस रस्ते तो हट के नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम अपने साथियों समेत तशरीफ ले जा रहे ने। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे हिजरत दा साथी अल्लाह ने बनाया सिद्दीक नू, किन्नू अल्लाह ने हिजरत दा साथी बनाया सिद्दीक नू। एक गल होर भी जे मेराज दे सफर दा साथी जिबरीले ते सवारी बुर्रा के, आज हिजरत दा सफर है, आज साथी भी सिद्दी के ते सवारी भी सिद्दी के, आज सफर दा साथी हिजरत दा साथी, ए अबू बकर सिद्दीक ते सवारी भी खुद जनाबे सिद्दीक बने ने रजी अल्लाह ताला अन्हो। मैं दस रहा सा प्यारे पैगंबर अली सलातो व सलाम अबू बकर दे घर तशरीफ ले आए, मां जी फरमांदियां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने अबू बकर तैयारी कर ले, हुजूर आर्डर तो आड़ा होए ते अबू बकर मनन नू देर नहीं कर सकदा। और साहबे दिल ने ना बड़ा प्यारा तर्जमा कीता है, कारियार सिद्दीक तैयारी साड़ी अजला तो है यारी, कारी यार और पुराने साथी भी महलेदार भी रे ना, कारी यार सिद्दीक तैयारी साड़ी अजला तो है यारी, कारी यार सिद्दीक तैयारी साड़ी अजला तो है यारी। ते सिद्दीक ही आंदा है, हर मुश्किल सिर ते चासा मैं ते लगिया तोड़ निवास, हर मुश्किल से ओए औखे वेलिया दे यार बड़े औखे लभदे ने, मुश्किल वेलिया च बड़े बड़े यारियां तोड़ जांदे ने ते ताल्लुक नाते खत्म कर जांदे ने। अबू बकर जैसी वफादारी भी कायनात अंदर किसे ना कीती होएगी। आंदे ने हर मुश्किल सिर ते चासा मैं ते लगिया तो तोड़ निवास, मैं सदके लख लख वारी साड़ी अजला तो है यारी। और महबूब सोने हो, तेरा भार सिद्दीक उठावे तैनू कोई तकलीफ ना आवे, तेरा भार सिद्दीक उठावे तेरा भार सिद्दीक उठावे तैनू कोई तकलीफ ना आवे, तीन मील चढ़सा पहाड़ी साड़ी अजला तो है यारी, कारी यार सिद्दीक तैयारी साड़ी अजला तो है यारी, सारा ठहरो वंज सरकारे पहले साफ करे संगारे, पहले साफ करे संगारे, मैनू जान जनाब दी प्यारी साड़ी अजला तो है यारी। महबूब इशारा तुहाडा होए ते अबू बकर पिछे रह जाए, ये किवें हो सकदा है, आका मैं तैयार। और सिद्दीक फिर नाल टुरे, सिद्दीक नाल टुरे।
बाद सीरत निगारा ने लिखे है रात दे अंधेरे च न अगे मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक दी अजीब कैफियत है, कदी अगे कदी हुजूर दे पीछे, कदी सज्जे कदी खब्बे। हुजूर अगे तशरीफ ले जा रहे ने ते किसे लंघ दे राही ने पूछ लिया, सवाल कर लिया, अबू बकर अगे अगे कौन जा रहा है? इत्थे इम्तिहान हुंदा है, या अल्लाह सच बोला ते नबी दी जान दा खतरा है, दुश्मन ते लभदा फिरदा है, सच बोला ते जान दा खतरा है, ते झूठ बोला ते सदाकत नहीं रहिंदी। अबू बकर अगे कौन जा रहे है? फरमान लगे मैनू राह दसन वाला, मैनू राह दसन वाला, ओनू की पता है ते अबू बकर नू जन्नत दे राह लैके जा रहे है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, परवाने ओ कुरान दियो, कौन जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मक्के ओ निकले और गारे सौर जेड़े हाजी हज करके आए ने या उमरा करके आए ने, अगरचे गारे हिरा ते चढ़ना जाना या गारे सौर ते जाना चढ़ना ए अरकाने हज उमरा चो भी नहीं, सवाब भी नहीं, लेकिन कुछ लोग इस सोच नाल के वेखिए ते सही महबूब नू लैके कितों तक अबू बकर गए, इसे सोच नू लैके ना सानू भी अल्लाह लै गया। असा देखिया अज भी अंदाजा हुंदा है कि नबी अली सलातो व सलाम आपका जिसम मुबारक बहुत भारा नहीं सी, उस गारे सौर तक पहुंचन वास्ते समार्ट बंदा होए ते वो बड़ी मुश्किल ना गुजर के ते अग्गे तक पहुंच सकता है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला लैके चले गए, गारे हिरा दी चढ़ाई भी मुश्किल है, लेकिन गारे सौर दी चढ़ाई ओदी निस्बत ज्यादा मुश्किल है कि तकरीबन अद्ध विच जाके इंज सीधी चढ़ाई हो जाती ते बंदे वास्ते चढ़ना जरा मुश्किल हो जाता है। ते तुसी अंदाजा करो हाँ, जिथे कल्ला बंदा नहीं चढ़ सकता अबू बकर मुस्तफा नू चुक के चढ़ गया, जिथे कल्ला बंदा नहीं चढ़ सकता जनाबे अबू बकर आमिना दे लाल अली सलाम नू लैके कंधिया ते उठाया ते गारे सौर तक पहुंचा दिता। ए अल्लाह दे प्यारे नबी जी, जे गुस्ताखी ना महसूस करो, आका गार वेच पहले मैं दाखल होना वा, कोई मूजी चीज ना होए, कोई नुकसान दे शह ना होए, आका मैं जाके जरा दी सफाई सुथराई करां। सीरत ने गार लिख देने कायनात दे इमाम दी इजाजत लई गार चले गया, इन साफ कीता, कोई रुड़ा गार दे अंदर नजर आ रही सन, अपनी चादर नू पकड़िया, इनू फाड़िया, टाकिया बना के कोई उस गार विच, कोई उस गार विच, को इस गार विच, ए मेरे प्यारे सिद्दीक दे रहे ने रुड़ा दे अंदर, ते दो रुड़ा बच गईया, किन्निया दो रुड़ा बच गईया, एक अड्डी एक विच रख लई, दूजी दूजे विच रख लई, ते आवाज दे के आंदे ने महबूब आओ तशरीफ ले आओ, आका आओ ते हुण कुरान की कह रहे हैं, अल्लाह फरमांदे ने इल्ला तंसुरू फकद नसरहुल्लाह इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू साने यस्नैन इज़ हुमा फिल गार।
इस यकूल ने साहेब ही ला तहजन इन अल्लाह माना मेरे पाक पैगंबर अली सलाम तो बस सलाम गार दे अंदर तशरीफ लै गया चोली सिद्दीक दिए ते सार मुस्तफा दाए हुजूर आराम थकावट है आराम फरमा रहे हैं प्यारे मुस्तफा अली सलाम तो बस सलाम किस्मत दी गल आज गारे सफर हिजरत है ते गार वेच चोली सिद्दीक दिए ते सर मुस्तफा दे ते जिदन आखरत दे सफर ते मेरे आका रवाना होए ने चोली बेटी सिद्दीका दिए ते सर मुस्तफा दे महबूब सोने आओ अंदर तशरीफ ले आओ मेरे आका अंदर तशरीफ लै गया अबू बकर दी गोद अंदर आपने अपना सर मुबारक रखे आओ आप आराम फरमा रहे ने और कैफियत की है गारे अंदर सन बहुत सुराख जो जो नजरी आया चादर फाड़ सिद्दीक प्यारे ते सारियां बंद कराया डंग कीता सप अबू बकर ते हंजू हो गईया जारी कतरे डिगे नबी दे मुख ते जाग उठे अकबारी क्या वेखन विच गिरे आजारी दोस्त दर्द रंजाना नाल मोहब्बत अबू बकर ते वेखे नबी रब्बाना अबू बकर ने सप्पां दे डंग बर्दाश्त कीते गारां दे अंदर इत्थों तीन दिन ते तीन रातां तकरीबन मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने इन्हां औखियां दिनां दे अंदर गुजारे ने फिर मेरे मुस्तफा अली सलाम ने मदीना पाक चले गया मैं पहला अर्ज कीता दुख दे साथी ते सुख दे भी जिस मक्के चो निकले सन ना आज अल्लाह ने मक्का नबी दे हाथ ते फतह फरमा दी अजे तक जनाबे अबू बकर दे बाप अबू कुआफा अजे मुसलमान नहीं सन होए वडेरी जी उम्र सी ते अबू बकर ने अब्बा जी नू फड़िया है या कंधिया ते उठाया ते मुस्तफा दे कोल लै गए हुजूर इन्हां नू कलमा पढ़ा दिओ ते आमिना दे लाल अली सलाम फरमांदे ने अबू बकर इन्हां नू जरूर तकलीफ देनी सी मैनू दसे आ मैं घर जाके पढ़ा देंदा जिथे ताल्लक होए दोस्ती होए यारी होए वैसे भी नबी दा घर कोई बेगाना ते है नहीं सी सहुरियां दा घर सी अबू बकर दा घर मैनू दसे आ मैं घर आ जांदा जनाबे अबू बकर सिद्दीक दे वालद अबू कुआफा भी मुसलमान हो गया पर गल ते किस्मत दी है अल्लाह ने वेखना नसीब कीता नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम आप जदों दुनिया तो रुखसत फरमा गया जनाबे अबू बकर सिद्दीक सवा दो साल खिलाफत फरमाइए ते उदों तक भी अबू कुआफा जिंदा सन अबू बकर वफात पा गए ने ते अबू कुआफा जनाबे अबू बकर दे वालद अजे भी जिंदा सन यानी एडा अजीम बेटा ते उस बेटे दा दुख भी
जनाबे अबू कुहाफा नू वेखना पिया रज़ी अल्लाह ताला अनो यानी को 97 साल दी उम्र अंदर जनाबे अबू कुहाफा हजरत अबू बकर सिद्दीक दे बाद दुनिया तो तशरीफ ला गए 22 जमात दी औलाखर अज दा दिन जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अनो आप दे सराने आप दी लख्त जिगर आप दी नूरे नजर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अनहा तशरीफ फरमाने अखां चो आंसू जै बह निकले ने ते अर्ज कर दिया ने अबू जी अजीब घर दी कैफियत घर विच ना कफनिए ते ना कफन दियां चादरां ही ने ते ना चादरां खरीदन दे पैसे ही ने आ फरमांदे ने प्यारीए ऐशा गल एवे नवे कपड़े दिया नवियां चादरां दिया लोड़ां ते जिंदा बंदियां नू हुंदियां ने मैनू उन्ना ही पुरानियां चादरां नू धो के मेरा कफन बना दिया दे यानी ओ जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने जिन्ना 2.25 साल तक नबी दे बाद खिलाफत की थी 23 साल मेरे पैगंबर दे शाना बशाना रहने दुनिया दा माल नहीं इकट्ठा कीता दुनिया दिया दौलतां ते कारोबार नहीं बनाए बल्कि सिद्दीक ने कमाया ते सिर्फ नबी दा प्यार ही कमाया नबी दी मुहब्बत ही कमाई है इस वास्ते रब्बुल आलमीन ने प्यारे अबू बकर नो अज तक तारीख दे अंदर ऐसा उजागर फरमाया आज तक लोग सिद्दीक तो वाकिफ ने और कयामत दियां दीवारां तक जनाबे सिद्दीक अकबर दी खिलाफत दे चर्चे उन्हां दी खिदमत इस्लाम दे तज़करे दुनिया ते हुंदे रहनगे और प्यारे सिद्दीक दे दर्जात बुलंद हुंदे रहनगे अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू नबी पाक दे यारां दा सच्चा यार बनाए किताब व सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.